इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है हिंदुओं ने, हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इस पर। इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते। अच्छी पोस्ट मिलती है उनमें, ऐसी क्या है, एजुकेशन है कोई है? नहीं, गलत बात, गलत बात है। आपके पास डाटा है, दूसरी पोजीशन देखें तो बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं ना, जितने भी बड़े डिपार्टमेंट में, चाहे यूरोप है चाहे आपकी मिडिल ईस्ट है, तो वो पाकिस्तानी बैठे हैं। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ ना, अभी देख लेते हैं। ये देखे गूगल सीईओ, ये देखे सुंदर पिचाई इंडियन ओरिजिनल, ठीक है, यूट्यूब सीईओ, ये इंटरनेशनल गेम है, आप समझ, ये देखे नील मोदी, इंडिया को जो है ना वो सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। तो अमेरिका भी ज्यादातर इंडिया को प्रमोट करता है, उन्होंने अपना मुफाद रख के अमेरिका की ऑफर्स को ठुकराते हैं, रशिया से अपने ताल्लुकात मजबूत करती है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मोहम्मद मुश्ताक जी। आज सर एक वीडियो है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी, हमारे पड़ोसी मुल्क जो है दुबई जी, जी सर, उसके शेख लोग कुछ कर रहे हैं। स्वीटनेस ऑफ दिवाली एंड आई लव्ड ईच एंड एवरी पीस ऑफ द मिठाई दैट आई ट्राइड, द इंडियन स्वीट्स दैट आई गॉट टू एक्सपीरियंस। तेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना का, मेरे ख्याल में भाजी ये दीन से दूरी है, इसराइल को ऐसे तस्लीम करने के बहाने हीले ढूंढ रहे हैं। दुबई ने तो कर लिया तस्लीम। हाँ जी, तो ऐसे ही है बस, ये बस ये मुसलमानों को बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा। इस मामले में हाँ जी, आज पे भी प्रेशर डालेंगे फिर। अच्छा। कि आप भी तस्लीम करें, क्योंकि पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है। अच्छा। तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर तो है इसराइल को भी। अच्छा। इसराइल अगर अभी पाकिस्तान ने हालांकि ठोस वो नहीं दिया बयान कि हम किस तरफ हैं, ये तो बस मिला जुला बयान दे रहे हैं, उन पे ज्यादती हो रही है, उन पे ज्यादती हो रही है, ये नहीं कह रहे कि कौन ज्यादती कर रहे हैं, हो रहे हैं। क्या हमसे ज्यादा अच्छे लोग, अच्छे वहाँ के रियासत सियासत हिंदुस्तानी है जो आज उनकी इज्जत है दुनिया के अंदर, हमारे अरब कंट्री के अंदर भी? हालांकि भाजी इंडिया में भी बहुत ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ हो रही है, सिखों के साथ हो रही है, लेकिन वो कोई वो नहीं वजूहत दे रहा। फिर उनके आगे हम बोल सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल बोल सकते हैं, हमें इतनी पावर है। ये गवर्नमेंट में पावर कोई नहीं है, ये मेरे और आप में पावर है, हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा कौन सुनेगा? गवर्नमेंट जो है वो बस अल्लाह माफ करे, हम इस्लाम के बहुत दूर जा रहे हैं। क्या इंडिया का राज नहीं चलने वाला जैसी हरकतें हो रही हैं? ये ऐसे बिल्कुल है कि इंडिया को जो है ना वो सुपर पावर, सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो पहली कौन है? पहली तो अमेरिका है ना, तो अमेरिका भी ज्यादातर इंडिया को प्रमोट करता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, जैसे इसराइल को कर रहा है और ऐसे इंडिया को कर रहा है, ताकि ये मिलजुल के सारे जो है ना, जैसे इंडिया अफगानिस्तान को कर रहे हैं। हाँ जी प्रमोट कर रहे हैं। क्या हमें इंडिया से ताल्लुकात नहीं बना लेने चाहिए? हमारी भी वाहवाही होगी, हमारे भी अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे सबसे। बस वो बस जैसे वो कुरान में है ना कि गैर मुस्लिम आपके दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। अगर उस चीज को हम माने तो फिर हम तो बहुत कोशिश करते हैं। अच्छा। जैसे पिछले दफा इमरान खान ने दूसरे दिन ही वो जो पायलट गिरफ्तार हुआ था अभिनंदन, दूसरे दिन ही वापस किया। इमरान खान ने ट्रेड भी तो बंद कर दी थी ना, बस ऐसे ही है। हम अगर हम कहते हैं कि हिंदू या यहूदी जो है इस्लाम के मुताबिक हमारा कुछ नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है, तो फिर चाइना भी तो गैर मुस्लिम है ना, चाइना को हम अपना दोस्त क्यों कहते हैं? चाइना भाजी कुछ दोस्तों को फसाद मिलाना भी पड़ता है। मतलब वैसे कहने को हम इस्लाम के मुताबिक चले, लेकिन अगर जहाँ बेनिफिट आएगा वहाँ हम इस्लाम को साइड रख के हम यहूदियों को भी रख ले। हाँ जी रखते हैं। अच्छा। हाँ जी, तो ऐसे तो फिर सर हम हिंदुओं से भी दोस्ती कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, इंडिया के साथ भी हाथ मिला सकते हैं? ये इंडियन जो है ना वो असली दुश्मन है, तीन चार वादें हो चुकी हैं, तो इस वजह से वॉर्स किसने शुरू की हुई है, इंडिया ने या पाकिस्तान ने? मेरे ख्याल में तो जाहिर है जो ज्यादा पावरफुल होता है पहले वो ही चमाटा मारता है। अच्छा। कोई भी मैं हूँ, आप हैं, कोई भी भाई हैं। मतलब कौन किसने शुरू? मेरे ख्याल में तो इंडिया में, मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया चाहता था कि मैं पाकिस्तान पे कब्जा कर लूंगा। अच्छा। वो अच्छा। तो जीता कौन है, इंडिया जीता है या हम जीते थे?
65 की जंग तो एब्सोल्युटली पाकिस्तान जीता था, लेकिन 71 जो है ना वो हम हारे हैं, क्योंकि हमने अपना आधा टुकड़ा दे दिया, आधा टुकड़ा दिया तो देखिए कितने खुशहाल हैं, उनका टका कितना चला गया। हाँ जी, वो ऊपर चले गए, हम जो है ना नहीं ऊपर जा सकते जब तक हम थोड़ा सा ना दीन से भी दूरी। ये अभी लास्ट टाइम की पोजीशन है, ये दीन से दूरी और क्या है, क्या वजूहत है? हम तो सऊदी को अपना आइडियल मानते थे, अब सऊदी के अंदर भी सिनेमा खुलने लग गए हैं, दुबई के अंदर मंदिर बन गए और काफी चीजें इस तरह की प्रमोशन। आइडियल सऊदी आइडियल नहीं होना चाहिए, आइडियल तो वो होना चाहिए कि जो दीन पे अमल कर रहा है। एक टाइम पे जब अरबों के पास था इस्लाम, उसके बाद तुर्कों को शिफ्ट हो गया, तो अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि जो मेरा काम करेगा, मेरे दीन को पकड़ेगा, मैं उसे दे दूंगा, चाहे कोई भी होगा, चाहे अरबी हो चाहे अजमी। हम दीन के मानने वाले हैं ना, तो आज हमारे भी बड़े बुरे हालात है, क्यों अमल नहीं है? आराम घुसा हुआ है हर घर में, सबसे बड़ी बात। अगर हम सऊदी की बात करें तो क्या वजूहत है उनके ज्यादा ताल्लुकात इंडिया से अच्छे लग रहा है और अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, क्या है ऐसी वजूहत? इस पे तो खैर बहुत लंबी बात हो सकती है, बेसिकली इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में फर्क ये है कि इंडियन एक दूसरे का साथ देते हैं, पाकिस्तानी नहीं देते। फिर ये अगर वो फ्रॉड करते हैं तो वो ओपन नहीं होता, हमारे करने के बाद 100 बंदों को खुद बताते हैं, मेन चीज जो है। इसलिए पाकिस्तानियों को पसंद नहीं किया जाता? पाकिस्तानियों को पसंद तो किया जाता है, क्योंकि हर फील्ड में होते तो मौजूद हैं और अच्छे टैलेंट में मौजूद होते हैं, जेलसी भी है साथ, और प्लस ये है कि इनके ऊपर ब्लेम गेम भी होती है। जैसे दुबई में हुआ था कि चावल पाकिस्तान का, प्रिंटिंग उस पर थी इंडिया की, और इंडिया के चावल पे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का चावल सबसे अच्छा है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन सर अगर हम देखें तो सऊदी और दुबई जो हैं आज भी हिंदुस्तानियों को प्रेफरेंस देके अच्छी जॉब देते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का तबका देखने कहाँ जाता है? वो जी हजूरी करते हैं ना, असल में ये है कि हमारे में कमी और खूबी दोनों चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं। अच्छा, हम बात नहीं सुन सकते, चाहे 10 दिन भुखा रहे हैं, पीछे पैसे नहीं भेजे, उन्होंने जी हजूरी करनी जो मर्जी हो। क्या हम जैसा होना चाहिए या हिंदुस्तान जैसा होना चाहिए? ना उन जैसा ना हम जैसा। अच्छा, तो करना क्या चाहिए? एतदाल बेहतर है। अच्छा, हाँ, मतलब ये कि आपने चलना है तो इस तरीके से चले कि किसी को ये ना फील हो कि चापलूसी कर रहे हो, किसी को ये फील ना हो कि ये बदतमीजी कर रहा है। क्या वजूहत है कि हिंदुस्तानियों को ज्यादा पैसों पे नौकरी मिलती है, अच्छी पोस्ट मिलती है, उनमें ऐसी क्या है, एजुकेशन है, क्या है? नहीं, गलत बात, गलत बात है। आपके पास डाटा है सर, सऊदी के अंदर अभी लास्ट टाइम उन्होंने कहा है कि अपने भिखारियों को निकालें, अपने भिखारियों को पाकिस्तान में बहुत बड़ा बुलाएं। आप इसका डाटा निकालें पर पर्सन पे, उनके असल में आईटी में वो आ गए, इसलिए लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं। असल दूसरी पोजीशन देखें तो बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं ना, जितने भी बड़े डिपार्टमेंट में, चाहे यूरोप है चाहे आपकी मिडिल ईस्ट है, तो वो पाकिस्तानी बैठे। अच्छा, तो गूगल का सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? यूट्यूब का सीईओ कौन है? ये भी गेम है ना सर। एक मिनट आइएगा, सर कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे, मतलब गूगल का, यूट्यूब का, माइक्रोसॉफ्ट का, आईएमएफ का, सबके जो सीईओज हैं या बड़े बड़े जो पोस्ट पे, वो पाकिस्तानी है, कैसा है? पाकिस्तानी है सर कह रहे हैं। पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है ना? इंडियन होंगे, यूरोप के होंगे, पाकिस्तानी नहीं होंगे, सवालिया निशान पे ये ना जाए। मैं आपको बताती हूँ ना, ये भी देख लेते हैं, ये देखे गूगल सीईओ, ये देखे सुंदर पिचाई इंडियन टीचर, ठीक है, यूट्यूब सीईओ, ये इंटरनेशनल गेम है, आप ये देखे नील मोहम्मद, वर्ल्ड कप हुआ तो क्या पोजीशन थी, आप लोगों को नहीं पता क्या पोजीशन? टोटल आईटी का जो सिटी बनना था वो दुबई में बनना था, ठीक है, वो इंडिया शिफ्ट हो गया। आपका नादरा का पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन डाटा सेटअप है, इसको चेक करें ना कि नादरा है क्या, पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले हम जैसे बेवकूफ हैं। सही कह रहे हैं सर? नहीं, ये तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन नादरा के अंदर जो घपले हो रहे हैं, जो फेक आईडीज बन रहे हैं और इतने इतने बड़े ब्लंडर्स आ रहे हैं, वो भी तो हमारे नादरा के अंदर, तो हमारे जरासीम में है ना, ये जो आप बोल रहे हैं ना, उसकी वजह है कि हमारी 3 नस्लों से जो हमें मिल रहा है ना, वही हमने आगे डिलीवर करना है। दुबई सऊदी, दरअसल आप किस इशू पे बात कर रहे हैं वो मुझे, अगर आप दुबई और सऊदी के अंदर, अभी मैं सुना रही थी सर को कि भजन वगैरह गाए जा रहे हैं दुबई के अंदर और शेख लोग गा रहे हैं, ये मैं आपको भी सुना देती हूँ। नहीं नहीं सर, एक मिनट ज्यादा नहीं, ये देखे सर कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तानियों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो। नहीं, किस हवाले से? हर हवाले से, वो कहते हैं हिंदुस्तानियों को प्रेफरेंस नहीं मिलती, पाकिस्तानियों को मिलती है, सिर्फ गलत बात है। नहीं, हिंदुस्तान को इस हवाले से जो ये प्रमोट कर रहे हैं अभी, म्यूजिक को इम्प्रूव कर रहे हैं और चीजों को, यानी कि जैसे वो यूरोप का अपने अंदर टच लाना चाह रहे हैं। बिजनेस है, क्या हो गया आपको? अपने आपकी कितनी आबादी, पॉपुलेशन कितनी है? 22 से 25। उनकी कितनी है? 13 अरब।
तो बिजनेस उनको देना है कि हमको देना है? सर हम दुनिया की पांचवी बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी भी नहीं है, चाहे जो भी चाहे, चाहे पहले पे हम पांचवे पे। फिर ये है कि बिजनेस उन्होंने इस तरीके से देना है कि उन्होंने हमारी तरह अपने मुल्क को काटना नहीं है। ये बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत डिपेंड करती है, पॉपुलेशन का मतलब है इजराइल कितना सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन टेक्नोलॉजी में देखे कितना। मैं बताता हूँ, पहले ये बात सुन ले, हर बंदा जो पॉपुलेशन है ना, ये यूजर है, ये हर चीज जो बिकती है ना, सर्दी का मौसम आता है सर्दी की चीजें बिकती है, गर्मी का मौसम आता है गर्मी की चीजें बिकती है। इसकी रीजन है पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे बिजनेस है। इंडिया को इस वजह से प्रेफर करते हैं, वो पॉपुलेशन को उसका फायदा उठा रहे हैं, बहुत बड़ी मंडी है, कंज्यूमर बहुत है। अगर उनकी पॉपुलेशन और पॉलिटिशियन हमारे जैसे होते कि आते ही अपना फायदा देख के इंडस्ट्री ना लगने देते तो क्या वहाँ पे इंडस्ट्री जाती? बेसिकली मसला ये है, मसला हमारी जड़ खराब है। जड़ जड़ किसे कहते हैं? लोगों को रोजी रोटी के पीछे लगाया हुआ है। बिजनेस के अलावा इस्लाम आने से पहले आपको पता था, शायद हिस्ट्री में आपने सुना हो कि खाना काबा का नंगा तवाफ करते थे लोग जहालियत के दौर में, ठीक हो गए। अभी जो पोजीशन है, फिर वही वर्डिंग आ जाएगी, हराम हराम। जिस जिसम में जाना शुरू हो जाता है ना, उससे आप हलाल के काम की तवक्को ना रखें, फिर वो नस्ल दर नस्ल डिलीवर होता है। तो हमारे इधर रिश्वत की पोजीशन ये है कि देने वाला और लेने वाला, कभी वो जल्दी में होता है कभी वो जल्दी में होता है कि यार काम ख़त्म करो लेट हो रहे हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से जो मेरी जाती राय है ना, ये जो अरब ममालिक है ना, ये इसराइल की तरफ काफ़ी मतलब के उसे मानते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। क्यों? ये बेसिकली मेरे हिसाब से इस्लाम से दूरी है, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया जो थी वो मेन थी, उसके बाद जो ये अल सऊद जो है ये ज़्यादा उनके साथ फेवर में है। जो भी टेक्नोलॉजी अमेरिका में आती है इसराइल में आती है, वो सबसे पहले इनके पास आती है। ये बेसिकली सारे याश हैं, काम शाम तो करते नहीं है। ये कुदरती वसाइल अल्लाह ने दिए हुए हैं, जिसकी नेमतों से ये माला माल है, और इसीलिए मेरा ख्याल ये ज्यादा फॉलो करते हैं उन्हें। यहाँ पे इंडियंस को प्रेफरेंस इस तरह से मिलती है, उन्हें हाई जॉब पे रखा जाता है, पाकिस्तानियों को लो जॉब पे रखा जाता है, दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर जो है वहाँ के MBS वगैरह उनके जो PM प्रेसिडेंट है वो मोदी के साथ अच्छे तालुकात बनाते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की मेरे हिसाब से ये जो है ना, क्या कहते हैं उसे, जो बिलावल भुट्टो था हमारा, वो जो वजीर खारजा, ये वजारती हमारी कमजोरी है पाकिस्तान की। हमें कोई भी ऐसा लीडर या कोई भी ऐसा मतलब नहीं मिला जो आलमी सत्ता पे आठवीं पावर होने के बावजूद हमें मुत्तहिद रख सके, इस्लाम की नुमाइंदगी कर सके। हालांकि चाहिए तो ये था, जैसे फलस्तीन का मामला चल रहा है, पाकिस्तान को क्यादत करनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के लीडरान की कमजोरी है, क्या आलमी सतह पे नुमाइंदगी नहीं कर सके। क्या हिंदुस्तान के लीडर लीडरशिप ज्यादा बेहतरीन है जो आज उनकी पूरी दुनिया में आवाज और चर्चे हैं? बेसिकली मेरे हिसाब से लीडरशिप इनकी इतनी अच्छी है क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया अमेरिका के खिलाफ, जो अपना उन्होंने मुल्क के बारे में सोचा। पाकिस्तान ने सर झुका दिया, जिसकी वजह से तख्ते उल्टते हैं हमारे, वो तो सबको पता है, मैं अब गहराई में नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपना मुफाद रख के अमेरिका की ऑफर्स को ठुकराते हैं, रशिया से अपने ताल्लुकात मजबूत करते हैं, उनसे तेल सप्लाई वगैरह, गैस पाइपलाइन वगैरह सब कुछ वो अपने मुल्की मुफाद में करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और पाकिस्तान की वजारती सतह पर बिल्कुल बेहद कमज़ोरी है इनकी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया से बहुत से जो पढ़े लिखे एजुकेटर्स होते हैं, एजुकेशन हासिल करके जाते हैं दूसरे ममालिक में, दुबई में जाते हैं, काफ़ी हम पॉपुलेशन देखें तो दुबई के अंदर इंडियंस की बहुत पॉपुलेशन है, और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास स्किल्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। पाकिस्तानी इस मुकाबले में बहुत कम है, तो इसी वजह से वो प्रमोट करते हैं इनके कल्चर को, ताकि ये भी खुश हों, थोड़े इंसेंटिवमेंट मिले इन्हें, और इस वजह से काफ़ी उन्हें प्रमोशन भी मिलती हैं, क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं। जाहिर सी बात है उनकी गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करती है इस काम को। आप डॉक्टरी की डिग्री ले रहे हो, आपने इन फ्यूचर डॉक्टर बनना है, क्या फ्यूचर पाकिस्तान में आपका बेहतर है या अगर बाहर की अपॉर्चुनिटी मिले तो बाहर ज्यादा अच्छा है? देखा जाए तो हमारे इकोनॉमी इस वक्त कहा जा सकता है कि इस वक्त सही हालत में नहीं है, तो मेरा तो यही होगा कि पाकिस्तान पेट्रोटिज्म के अलावा फिर भी हालात को देखा जाए तो बाहर का मैं प्रेफर करूँगा। बिल्कुल, ये तो हमारे नबी का फरमान है ना कि अरबों में दोबारा बुत परस्ती आ जाएगी, ये आखिर लास्ट टाइम पे ऐसा होना है, तो हमारे नबी की पेशन भी पूरी होनी है।
तो ये उसके सिलसिले की एक कड़ी है बस। और सर हम तो जाते हैं सऊदी अभी अभी भी अपना मतलब उमरा हज करने, और जो दुबई वालों को शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, इस्लाम की प्रचार वहां से हुई, इस्लाम फैला वहां से, तो अभी तो सारा कुछ बदलता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है उनके ऊपर। अच्छा। उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। अच्छा। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इस पर, इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना पड़ रहा है। हम कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन बुरे हाल, बहुत ही बुरे हाल पाकिस्तान के क्यों अगर